वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 नाज़म एंड द राइजिंग ऑफ हिटलर का। तो उसमें हम पढ़ेंगे हिटलर राइज इन पावर, हिटलर कैसे पावर में आया। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी पॉलिटी एंड सोशली फॉर्म्ड द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर राइज इन पावर। यानी कि आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक गहराते जा रहे इस संकट को हिटलर को ज्यादा राइज पावर में आने का मौका दिया। इन सब कारणों से हिटलर को सत्ता में पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। हिटलर पैदा हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में, ठीक है। हिटलर स्पेंड हिज यंग इन पावर्टी। हिटलर ने अपना बचपन गरीबी में बिताया था। पावर्टी मतलब गरीबी, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे पावर्टी। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही एनरोल फॉर द आर्मी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गई तो उसके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि वो पावर्टी में जी रहा था। तो उसने क्या करा, अपना फौज में नाम लिखवा दिया। वो फौज में आया था, आर्मी में नाम लिखवा दिया। वो आया था मैसेंजर के रूप में फौज में, इन द फ्रंट सबके सामने, बिकॉज द कॉर्पोरल एंड द मेडल फॉर ब्रेवरी। और उसने फौज में बहुत सारे मेडल्स भी कमाए उसकी बहादुरी के लिए। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। तो जर्मन जब हार गया तो वो बहुत ही टेंशन में आ गए हिटलर। और जब वर्सल ट्रीटी हुई, हमने पीछे अभी पढ़ा था वर्सल ट्रीटी के बारे में, तो बहुत ही वो गुस्से में हो गया। इन 1919 ही ज्वाइन अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्किंग पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो उसने एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन करा, जर्मन वर्किंग पार्टी, ठीक है। और उसने उसमें ही सब्सिक्वेंस टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम इन द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्किंग पार्टी। उसके बाद जो जर्मन वर्किंग पार्टी का जो लीडर था उसको हटा के हिटलर खुद आ गया उस लीडर, जैसे जर्मन वर्किंग पार्टी का वो मेंबर था, तो उसके मेंबर से सीधा वो लीडर बन गया। या तो अपनी काबिलियत के दम पे बना, या तो उसने कुछ काम करे होंगे उल्टे सीधे, तो उसके वजह से वो बन गया। ही सब्सिक्वेंस टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, वो लीडर बन गया उसका। और उसके बाद लीडर बनने के बाद उसने उस पार्टी का नाम चेंज कर दिया। उसका पहले नाम था जर्मन वर्किंग पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसने नाम चेंज कर लिख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्किंग पार्टी। और उसको बाद में नाजी पार्टी के नाम से लोग जानने लगे। दिस पार्टी कम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। इन 1923 हिटलर प्लान टू साइज कंट्रोल ऑफ बवेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। तो 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया का पर कब्जा करना, बवेरिया पर कब्जा करने के लिए बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने के लिए योजना बना ली थी। पर वो योजना तो बना ली थी, लेकिन वो फेल हो गया। ही फेल वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज। उसको पकड़ लिया गया, वो उस क्या मार्च में सक्सेसफुल नहीं हो पाया उनकी मार्च, तो उनको क्या कहा, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो उनको पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा और उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। मगर लेटर उनको छोड़ दिया गया और उन पर आरोप लगाया गया था देशद्रोह का, ठीक है। लेकिन उनको छोड़ दिया गया, तो देशद्रोह का आरोप लगाया गया तो भी छोड़ दिया गया। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, अगर छोड़ते नहीं तो इतने सारे वो बुरे काम करता नहीं। तो द नाज़म कुड नॉट इफेक्टिवली मूवीजन पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930। तो नाजी जो उसकी जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, तो उसको ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते थे 1930s में, मतलब वो ज्यादा उनकी पसंदीदा पार्टी नहीं थी 1930 के दौरान। मगर इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन डेट नाज़म बिकम
मास मूवमेंट। तो क्या हुआ, जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन में क्या था, सब सब वर्कर्स की जॉब छूट गई, फैक्ट्रीज पे ताले पड़ गए, सब लोग अनएम्प्लॉयड में आ गए, सब लोग घर पे बैठे हैं, कोई इधर घूम रहा है, मतलब कि कम से कम 6 मिलियन लोग खाली बैठे हैं, 6 करोड़ ऐसे करके लोग खाली बैठे थे। तो ग्रेट डिप्रेशन में ये हुआ था, उसी सिनेरियो को नाम दे दिया गया ग्रेट डिप्रेशन। तो वो हिटलर को एक मौका मिल गया लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का। एज वी हैव सीन इफेक्ट आफ्टर 1929 बैंक कोलैप्स हो गए, बिजनेस शट डाउन हो गए, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब एंड द मिडिल क्लास वर थ्रेटेंड विद डिस्टिंक्शन। तो ये सब हुए और लोग अपने सीने पर एक वो लागे चलने लग गए पेज के, विल टू डू एनी वर्क, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पैसे उनके पास थे नहीं खाने के लिए भी, तो इसलिए ऐसे कर रहे थे। एंड द मिडिल क्लास वर थ्रेटेंड हो गया। इन मच अ सिचुएशन न्यू प्रोपोगंडा स्ट्राइप्ड होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर। तो क्या हुआ, प्रोपोगंडा मतलब कि अपने विचार दिए हिटलर ने नाजी पार्टी के थ्रू, उसकी जो पार्टी थी, जैसे भाषण देते हैं ना, तो वैसे उसने भाषण दिया अपना कि उसको उस समय में नाजी पार्टी को क्या जरूरत थी, क्या किस चीज की जरूरत थी, कि उनका कोई फ्यूचर सेफ हो और उन सब एम्प्लॉयड हो जाएं, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो हो वो गरीबी में ना हो और सबकी जॉब लग जाए, ये सब जरूरतें थी। तो उसमें क्या हुआ था कि तो बेटर फ्यूचर इन 1928 द नाजम पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट। 1928 में 2.6% वोट मिले थे बस उनको, बस इतने कम वोट मिले थे। इन द रीसेंट स्टेज द जर्मन पार्लियामेंट बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी इन द 37% वोट। लेकिन 1932 में सबसे बड़ी पार्टी नाजम पार्टी बन गई 27% वोट से वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसके बाद क्या हुआ, हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। हिटलर क्या था, पावरफुल स्पीकर था, मतलब कि जैसे कि कोई कुछ काम ना करे लेकिन अगर वो थॉट अच्छा देता है तो उसको बस लोगों को क्या पसंद आने चाहिए उसकी बातें, काम कुछ करे ना करे लेकिन बात में वो होता है ना स्पिरिट सी, दम सी, तो उसकी वजह से लोग उसको पसंद करते थे। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव पीपल। तो उसकी जो कैसे ढंग से जो बोलता था, उसका ढंग जो था बोलने का, उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते थे। ही प्रोमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिटलर ने क्या क्या प्रोमिस करे थे लोगों से, तो आप लिख सकते हैं ही प्रोमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, वो एक ताकतवर देश बनाएगा जर्मनी को। अंडर द इंजेक्शन अनजस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। और ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी जो जर्मनी के लोगों के लिए बहुत बेइज्जती भरी थी, उन सब का बदला लेगा वो, और जर्मन के पीपल की वो जो है जर्मनी की इज्जत को वापस लाएगा, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो गई थी वर्साइल ट्रीटी के दौरान। ही प्रोमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। वो वादा कर रहा था उसने लोगों से कि सबको एम्प्लॉयड कर देगा, मतलब सबको काम काज में लगा देगा, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। और वो सिक्योर फ्यूचर कर देगा, मतलब आगे के लिए सिक्योर करेगा फ्यूचर को। ही प्रोमिस टू वीड आउट ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस। वो कह रहा था कि हम जैसे बाहरी देश के जो लोग होते हैं तो चलाते हैं ना उनकी गवर्नमेंट को, अब वो फॉरेन इन्फ्लुएंस को वो कम कर देगा, मतलब खत्म ही कर देगा, कम नहीं खत्म ही कर देगा। एंड रिसाइड ऑल फॉरेन कंप्राइज्ड अगेंस्ट जर्मनी। हिटलर डिवाइज अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नया स्टाइल करा पॉलिटिक्स का। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड तो वह लोगों को गोलबंद, मतलब हिटलर जो है गोलबंद करने के लिए अडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है। नाजम हैड मैसिव रैलीज। तो अपने सबसे ज्यादा पैसे किस में वेस्ट करते थे, रैलीज करने में, प्रचार करने में, ठीक है।
एंड पब्लिक मीटिंग टू डेमोंस्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टील एंड सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। तो हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजीज़म ने बड़ी बड़ी रैलियां को मतलब कि करने लगे, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां। वो द रेड बैनर वॉज द स्वास्तिक द नाजम सल्यूट। तो मतलब कि ये जो स्वास्तिक का निशान जो होता है, जो ऐसे ऐसे जो बनाया था, जैसा आप पोस्टर पर देख सकते हैं यहाँ पर है, ये वो था साइन उनका पार्टी का। द नाजम एंड द रिचुअल्स अराउंड ऑफ आफ्टर द स्पीच वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल ऑफ पावर्स। तो वो क्या करते थे, तो उनका जो नाजम का जो भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियां की गड़गड़ाहट से सारी चीजें जो थी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था, ये सब वो नाटक करता था उन सब का। ठीक है, अब हाँ नेक्स्ट पेज है। नाजम प्रोपोगेंडा स्किलफुल प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा अ सर्वे एज समवन हु हैड अराइव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रैक्ट्स। तो वो नाजम पार्टी जो थी उसको क्या कहने लगे, हिटलर को क्या कहने लगे, मसीहा ये लोग कहने लगे ना, मसीहा यही हमें इस बचा सकता है, इसको यही वो ही भगवान ने इसको भेजा, ऐसे ऐसे लोग उसके बारे में बात करने लग गए, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा था, वो थोड़े बहुत सक्सेसफुल कर भी रहा था उन लोगों को। ठीक है, और इट इज एन इमेज डेट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल हु सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ द प्राइड हैज बीन स्कैटर्ड एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। तो मानते थे कि लोगों ने अपने मन में एक इमेज सी बना रखी थी कि मतलब कि हिटलर ने तो सारे प्रचार करे थे कि लोग उसका नाम भूलने की कोशिश करें ना, तो नाजी पार्टी का नाम भूल ना पाए, तो ऐसे उसने करा था। और उसने लोगों के मन में एक इमेज बना दी थी नाजिम पार्टी के लिए, और वो लोग देखते थे कि यही वो लीडर है जो हमें इन सब इकोनॉमिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस से हमें बचा सकता है। तो 2.1 द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मास्टर जी। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3rd को, नाजम एंड द राइजिंग ऑफ हिटलर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑन 30 जनवरी 1933 द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। तो 1933 में 30 जनवरी के दिन प्रेसिडेंट जो थे जर्मनी के हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को एक चांसलरशिप का ऑफर करा। चांसलरशिप पोजीशन होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है चांसलर, टू हिटलर। हिटलर को ये सब ऑफर दिया। बाय नाउ द हिटलर हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। तो क्या है, लेकिन तब तक जब तक उसको वो चांसलरशिप का पोस्ट ऑफर करते तब तक उसने कह दिया कि तब तक नाजी पार्टी कंजर्वेटिव को भी अपने पक्ष में जोड़ चुकी थी। कंजर्वेटिव जो पार्टी थी उसको अपने पक्ष में जोड़ लिया था उन्होंने। ठीक है, तो हैविंग एक्यूरेट पावर द हिटलर सेंड आउट द डिमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने जो डेमोक्रेटिक रूल्स थे उनकी उनको क्या कहते हैं, उनको दोबारा संरचना करी उसकी और उसकी स्थापना करी। उस स्थापना में उसने भंग करना शुरू कर दिया, मतलब उसको खराब करना शुरू कर दिया डेमोक्रेटिक रूल्स को। ठीक है,
तो क्या हुआ था कि अ मिस्ट्री फायर दैट ब्रोकन आउट द जर्मनी पार्लियामेंट बिल्ट इन फरवरी फैसिलिटीज हैज मूव। तो फरवरी महीने में जो जर्मन पार्लियामेंट में जो बहुत बहुत आग लगी थी, वो उसमें उसका रास्ता बिल्कुल एकदम साफ हो गया था हिटलर का। तो उसमें क्या था कि उसने फिर क्या करा था, फायर डिके ऑफ 28 फरवरी 1933 इनफाइनाइटली सस्पेंड सिविल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस एंड असेंबली डेट हैज बीन ग्रेजुएटली बाय द वर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि जो आग जो लगाई गई थी उसके उसके जरिए, तो क्या कहा था, उसके पास प्रेसिडेंट के पास एक पावर थी आर्टिकल 48 से क्या हो सकता था, जितने भी राइट्स होते हैं पीपल्स के बाद वो सब क्या जाते हैं, सब राइट पावर किसके पास आती है, प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 48 की ये पावर थी। तो उसने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, ये आग लगी थी उसमें तो उसने ये एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया आर्टिकल 48 के द्वारा, ठीक है। तो उसकी वजह से लोगों के पास जो सस्पेंड हो गए थे सिविल राइट्स, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस एंड असेंबली डेट हैज बीन ग्रेजुअली बाय द वर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, देन ही टर्न ऑन द एनिमीज द कम्युनिस्ट मोस्ट ऑफ हु वर हैरिडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूजली एस्टेब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप्स। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो हिटलर का जो बहुत ज्यादा बड़ा दुश्मन था, कट्टर दुश्मन था कम्युनिस्टों पर उस पर निशाना उसने साधा और उसको रातों रात कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। वहां से ऐसा कोई जिंदा नहीं आ पाया था क्योंकि वहां पर बहुत निगरानी रहती है, कोई भागने की कोशिश करता है तो उसको मार देते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वर सेवरल। तो कम्युनिस्टों को भी वैसे ही दबा दिया गया था जैसे उसने और लोगों को दबाया था, ठीक है। लगभग पांच आगे बढ़ते हैं हम। आउट ऑफ द सेवरल 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ ड्यूसेलडॉर्फ, अ स्मॉल सिटी ऑफ हाफ अ मिलियन पॉपुलेशन 1440 वर दोज द कम्युनिस्ट अलोन। तो लगभग 5 लाख की आबादी वाले क्या कहते हैं ड्यूसेलडॉर्फ शहर में, ये शहर का नाम है, शहर में गिरफ्तार किए गए लोग की बीच 6808 फाइल थी, मतलब कि और उनमें से जो अरेस्ट होते हैं उनकी फाइल बनती है ना, उसकी 6808 फाइल थी, उनमें से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी, उसने इतने अपराध करे थे, ठीक है। दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम पर्सुएटेड बाय द नाज़िम अक्रॉस द कंट्री। उसकी तरह ही 58 कम्युनिस्टों की तरह ही 58 टाइप के और लोग जो थे उन सबको भी कंसंट्रेशन कैंप में उसने हिटलर ने भिजवा दिया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एनेबल एक्ट वॉज पास्ड। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध एनेबल एक्ट जो है पारित कर दिया गया था, मतलब कि उसको सेंड कर दिया गया था, एक्ट हो गया था उसपे। दिस एक्ट एनेबल डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस कानून के जरिए जर्मनी में बकायदा तानाशाह स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। इट गिव हिटलर ऑल पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल्स बाय डिके। इस कानून ने हिटलर को पार्लियामेंट को हाशिए पर धकेलने और केवल अधिकांशों को जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। उसके पास हिटलर के पास पावर आ गई इसकी वजह से। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर ट्रेड एंड ट्रेडर्स यूनियंस वर बैन एक्सेप्ट द नाज़िम पार्टी एंड इट्स एफिलिएटेड।
नाजम पार्टी और उससे जुड़ी पार्टियों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों को क्या कहते हैं बैन कर दिया गया था। ठीक है, द स्टेट एनेबल द स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीटली कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। तो इस अवस्था में मीडिया, सेना और क्या कहते हैं उसका नाम आर्मी, इकोनॉमिक्स, इन सब पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, स्पेशल सर्वेलाइन एंड सिक्योरिटी फोर्स वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजम वांटेड। पूरे साम्राज्य को नाजम के हिसाब से नियंत्रण और उसको चलाया जाता था। नाजम जैसे चलाना चाहते थे उस अपने हिसाब से वो चलाते थे। ठीक है, और उसके आगे अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, इसके अलावा पहले से मौजूद हरी जो हरी कलर के कपड़े पहनती थी हरी पुलिस और क्या कहते हैं उसका नाम हरी पुलिस और एएस और द स्टॉर्म ट्रूप्स, दे इंडिकेट द गेस्टापो, इनको क्या कहा जाता साउट्रम कहा जाता था, सॉरी साउट्रम, इनको गेस्टापो कहा जाता है। ये क्या पुलिस, कैसी पुलिस थी, सीक्रेट स्टेट पुलिस, सीक्रेट मतलब कि वो गुप्त राज्य पुलिस थी, वो गुप्त काम करती थी, मतलब कोई भी सीक्रेट मिशन। द एसएस, एसएस जो थी, एसएस क्या करती थी, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, तो वो अपना नियंत्रण पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस, जो भी चोरी चकारी होती थी उसके पे रखती थी, इसने पुलिस को बांटा हुआ था ना। क्राइम्स पुलिस, क्रिमिनल पुलिस, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस एसडी। ठीक है, इट वाज द एक्सट्रीम कंडीशन कंटिन्यूअसली पावर ऑफ देयर न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स दैट गेव द नाजम स्टार्ट इन इट्स रिपिचुअल एज द मोस्ट ड्रीडेड क्रिमिनल स्टेट्स। तो इन सब जो तो इन नवगठित दस्तों को देखने के बाद अधिकतर लोग नाजी पार्टी को खूंखार अपराधी राज्य की छवि प्रदान हुई, मतलब उनको लोग ऐसे ऐसे कहते थे। तो क्या हुआ फिर, जो नाजम पार्टी, हाँ, पीपल कुड नाउ बी डिटेंड इन गेस्टापो चैम्बर राउंड अप एंड सेंड टू द कंसंट्रेशन कैंप। तो गेस्टापो के पास ये पावर थी कि वो चाहे तो कितने भी लोगों को वहां कंसंट्रेशन कैंप में भेज सकता है, उसकी मर्जी है, कोई भी उस पर ये नहीं कह सकता क्यों हमने क्या करा है, वो बिना मतलब के भी भेज सकता है। डिस्पोर्ट एट वेल और अरेस्ट विदाउट एनी लीगल प्रोड्यूसर, चाहे वो लीगल तरीके से अरेस्ट कर रहा हो या ऐसे ही कर रहा हो अरेस्ट, तो भी उसको अरेस्ट करा जाएगा, उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाएगा। द पुलिस फोर्स एक्यूरेल पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अब, तो नेक्स्ट टॉपिक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।